afternoon student, my name is Tina Malakar. Today's topic लेखांकन की प्रक्रिया processing of accounting. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें और मुझे अप्रिशिएट करें. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेखांकन की प्रक्रिया प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग. लेखा शास्त्र को समझने से पहले अपन को लेखांकन और पुस्तकालय इन दो शब्दों को समझना होगा कि ये शब्द क्या है. तो लेखांकन मतलब लेख मतलब लिखना और अंकन मतलब अंकों में लिखना. अब लेखांकन अपन किसके आधार पर करते हैं? पुस्तक पालन के आधार पर करते हैं. मतलब लेखांकन का बेस होता है पुस्तक पालन. तो अपन पुस्तक पालन का समझेंगे. पुस्तक पालन क्या होता है? पुस्तक पालन मीनिंग व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने के कहलाता है पुस्तक पालन कहलाता है. अब लेखा पुस्तकों में भी अपन कौन से लेन देन दर्ज करेंगे वह अपन यहाँ डिसाइड करेंगे कौन से लेन देनों को अपन लेखा पुस्तकों में दर्ज करेंगे. तो व्यवसाय के व्यवहार बिजनेस ट्रांजेक्शन ये होता है आगत. मतलब यह होता है आगत. व्यवसाय में होने वाले लेन देनों को जिनको मुद्रा में मापा जा सके और जो व्यवसाय से संबंधित हो केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा अपन क्या करेंगे? पुस्तकों में दर्ज करेंगे. ऐसे लेन देन जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है और जिनका मापन मुद्रा में नहीं किया जा सकता उनका लेखा अपन लेखा पुस्तकों में नहीं करेंगे. मतलब जर्नल और सहायक बही में उसका लेखा नहीं करेंगे. अब ये फर्स्ट चरण है जिसमें अपन क्या करते हैं? एंट्री करते हैं. मतलब दोहरा लेखा प्रणाली डुअल एंट्री सिस्टम डेबिट और क्रेडिट के आधार पर क्या करते हैं अपन जो भी लेन देन होता है उसका यहाँ पे क्या करते हैं? लेखा करते हैं. जर्नल और सहायक बही. जर्नल सहायक बही क्या होती है? सहायक बही 8 प्रकार की होती है. जो जब कोई व्यवसाय में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो क्या होती है? अलग अलग बुक्स बना ली जाती है और उसमें उसकी अलग 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 बुक्स में एंट्री की जाती है तो ये कहलाती है सहायक भैया कहलाती है. तो ये कौन सा चरण होता है? प्रथम चरण होता है. जैसे कोई ऐसे एंट्री की जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो ये ऐसे एंट्री की जाती है जो भी व्यवसाय से संबंधित है जिसका मापन मुद्रा में किया जा सकता है केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा क्या करेंगे अपन पुस्तकों में दर्ज करेंगे. ये था प्रथम चरण. अब अपन आते हैं द्वितीय चरण. द्वितीय चरण में क्या होता है? खतौनी. खतौनी का अर्थ मतलब होता है जब जो एंट्री अपन लेखा पुस्तकों में सहायक बहियों में की है जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो कैश तथा कैपिटल अकाउंट का अलग अलग अकाउंट खाता अलग अलग खाता खोला जाएगा और इन और जब और एंट्री हो जाएगी तो समान प्रकृति वाले खातों को क्या किया जाएगा उन्हीं के अंदर उनकी क्या की जाएगी? खतौनी की जाएगी. तो इसी को क्या कहेंगे अपन? वर्गीकरण कहते हैं. मतलब इसके बाद में क्या किया जाता है? जो भी इसमें एंट्री कर दी जाती है उसके बाद में उसका क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है. ये क्या कहलाता है? द्वितीय चरण कहलाता है. तो यहाँ पर क्या होती है? पुस्तक पालन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है. यानी बुक कीपिंग यहाँ पे समाप्त हो जाती है. इसके बाद स्टार्ट होती है लेखांकन. तो बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग एक सरल कार्य है. ये कम विशेषज्ञ वाले व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है. तो बुक कीपिंग जहां समाप्त होती है वहां क्या होता है? लेखांकन प्रारंभ होता है. अब लेखांकन क्या हो गया? लेखांकन अर्थशास्त्र की क्या हो गई? दूसरी सीढ़ी है. इसमें इस कार्य को करने के लिए बहुत विशेषज्ञ यानी बहुत कुशलता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है. इसमें क्या किया जाता है? पहले तलपट. तलपट में क्या किया जाता है? तलपट मतलब होता है सारांश. तलपट में जो इसमें अपने खाते मतलब अलग अलग खाते खोले थे उनका क्या किया जाता है? योग किया जाता है. उसके बाद ये डेबिट और क्रेडिट का मैच किया जाता है. अगर वे समान आते हैं तो मतलब होते हैं कि अपने जो भी अपन ने इसमें जो खतौनी की और जो भी अपने जर्नल एंट्री की उसमें कोई गलती नहीं है. मतलब पूरे तरीके से शुद्ध है. अगर कोई गलती होती है तो यहाँ पर उसका सुधार किया जाता है. सारांश के बाद में क्या होता है? अपन बनाते हैं वित्तीय विवरण. साल ये क्या करते हैं? वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं. अंत में और साल में एक बार ही बनाए जाते हैं. इसमें क्या होता है? पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है. अब पी एंड एल मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वित्तीय विवरण. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? व्यवसाय में जो भी लाभ हानि है पूरे वर्ष में जितनी भी लाभ हानि हुई है उसको दर्शाता है. और बैलेंस शीट व्यवसाय की एक दिन की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है. तो ये बैलेंस शीट ये क्या हो गया? ये तृतीय चरण हो गया और ये क्या है? चतुर्थ चरण. इसके बाद में क्या होता है? जो भी उपयोगकर्ता होते हैं उनको ये क्या किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है जिसके आधार पर वे क्या कर सके? निर्णय ले सके. वे इसके आधार पर क्या करते हैं? निर्णय ये प्रस्तुत किए जाते हैं. मतलब जो अंतिम खाते हैं वे प्रस्तुत किए जाते हैं जिसके आधार पर वे क्या कर सके? जो भी उनको आवश्यक निर्णय लेने वे निर्णय ले सके. तो ये क्या था? लेखांकन. ये जो तीनों प्रक्रिया तीनों पॉइंट है तीनों स्टेप है वे क्या
और लेखांकन कहलाएगा। तो ये थी लेखांकन की प्रक्रिया। अब अपन को लेखांकन तथा पुस्तक पालन में अपन डिफाइन करेंगे कि इनको इनमें अंतर समझेंगे कि क्या होता है और भी अच्छे तरीके से। तो आगे समझते हैं लेखांकन की प्रक्रिया। लेखांकन की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब अपन समझेंगे इसमें डिफरेंस, लेखांकन तथा पुस्तक पालन में डिफरेंस समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। ये टॉपिक बहुत ईजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फाइट एग्जाम्स जैसे जूनियर अकाउंटेंट एंड फर्स्ट ग्रेड टीचर और जितने भी रिलेटेड अकाउंट से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर पेपर में इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी भी है। तो अपन समझेंगे पहले इनका अर्थ समझेंगे कि अर्थ क्या होता है। फर्स्ट, पुस्तक पालन व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में दर्ज करना क्या कहलाता है? पुस्तक पालन कहलाता है। मतलब व्यवसाय में अपन उन्हीं लेन देनों का लेखा करेंगे जो व्यवसाय से संबंधित है और जिनका मापन क्या मुद्रा में किया जा सके। केवल उन्हीं लेन देनों का क्या करेंगे अपन लेखा पुस्तकों में दर्ज करेंगे। तो पुस्तक पालन का अर्थ तो यह है। अब लेखांकन का अर्थ क्या है? लेखांकन के अर्थ में मैंने एक वीडियो बनाई है, पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको अगर आपको डिटेल समझते हैं तो उस वीडियो को देखें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूंगी। अब है लेखांकन का अर्थ। लेखांकन में होने वाले मौद्रिक लेन देनों को पहचाने मापने तथा लिखने तथा संप्रेषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। व्यवसाय में होने वाले मौद्रिक मतलब जिनका मापन मुद्रा में किया जा सकते हैं। लेन देनों को पहचाना, पहचाना मतलब जो व्यवसाय से संबंधित है। मापने मतलब रुपए तथा पैसे में मापना। लिखना मतलब लेखा पुस्तकों में लिखना। संप्रेषित मतलब होता है उन तक जो भी उपयोग करता है उन तक पहुंचाना और जिससे कि वह निर्णय ले सके। संप्रेषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरी पहले की वीडियो उसको देखिए। अब है दूसरा है लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी है। मतलब पुस्तक पालन क्या है? पुस्तक पालन लेखांकन अपन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये पुस्तक पालन करना पड़ेगा। तो लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? पुस्तक पालन। फिर इसी के आधार पर क्या किया जाएगा? लेखांकन। तो ये लेखा शास्त्र की क्या है? दूसरी सीढ़ी है। अब थर्ड डिफरेंस समझते हैं। पुस्तक पालन में वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की पहचान की जाती है। मतलब इसमें उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जो कि वित्तीय यानी मुद्रा से संबंधित है और जो व्यवसाय से संबंधित है, उनकी क्या की जाती है? पहचान की जाती है ताकि अपन लेखा पुस्तकों में दर्ज कर सके। और इसमें क्या किया जाता है? लेखांकन में वर्गीकृत लेन देनों का सारांश तैयार किया जाता है। अब अपन ने प्रक्रिया में क्या समझा था? वर्गीकरण मतलब कहाँ पे होता है? खतौनी में क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। लेन देनों का क्या किया जाता है? सारांश मतलब ट्रायल तलपट तैयार किया जाता है। यानी वर्गीकरण जो भी अपन जो बनाते हैं खतौनी में खतौनी करते हैं उसके आधार पर सारांश निकाला जाता है। तलपट के आधार पर तलपट तैयार किए मतलब सारांश तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पहचान किए गए लेन देनों का मौद्रिक मूल्यांकन करने के बाद मतलब अपन ये डिसाइड हो गया कि इसका जो भी ट्रांजेक्शन उसकी है उसका मापन मुद्रा में किया जा सकता है तो उसका लेखा अपन क्या करेंगे? लेखा पुस्तकों में दर्ज करते हैं। इसके बाद जैसे जर्नल में तथा सहायक बिलों में क्या कर सकते हैं? उसको दर्ज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? वर्गीकरण। अपन ने वर्गीकरण कहाँ पे किया था? खतौनी में किया था। वर्गीकृत लेन देनों का विश्लेषण वहां पर अपन जब ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं उसमें क्या कर रहे थे? विश्लेषण कर रहे थे कि इसमें कोई अशुद्धि तो नहीं है। करने के बाद क्या करते हैं? लाभ व हानि व चिट्ठा बनाया जाता है। उसके बाद में क्या है? P&L एंड बैलेंस शीट तैयार की जाती है। मतलब वर्गीकृत खाता बही में अपन खतौनी करते हैं उसका वर्गीकरण करने के बाद विश्लेषण मतलब यहाँ हो गया अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें देखते हैं कोई अशुद्धि है या नहीं है। फिर अगर कोई अशुद्धि नहीं होती है तो उसके आधार पर क्या बनाते हैं? P&L और बैलेंस शीट। और अगर कोई अशुद्धि होती है तो अशुद्धि की सुधार किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका मुख्य उद्देश्य यानी इसका मेन पर्पस क्या होता है? व्यवस्थित ढंग से लेखा पुस्तकों में दर्ज करना। जो भी लेन देन हो रहे हैं उनको क्या होना व्यवस्थित ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है? लेखा पुस्तकों में दर्ज करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय स्थिति को जानना होता है। मतलब साल में तुमने क्या प्रॉफिट कमाया, साल भर में क्या प्रॉफिट कमाया और तुम्हारे व्यवसाय की क्या स्थिति है। इसका मेन पर्पस ये होता है। अब पुस्तक पालन का नेक्स्ट टॉपिक है ये कार्य सामान्य तथा कम कार्यकुशलता वाले व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। ये जो पुस्तक पालन का जो कार्य होता है एक जो कम जिसको जोड़वा के गुणा भाग भी आता है तो वो भी इस कार्य को कर सकता है। अगर डुअल एंट्री सिस्टम अपन समझ ले तो सामान्य कार्यकुशलता वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है? पुस्तक पालन कर सकता है। लेकिन लेखांकन के लिए एक विशेष कुशलता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब इस कार्य को करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक कार्यकुशलता वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मतलब लेखांकन को करने के लिए अधिक कार्यकुशलता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यह
सामान्य कार्य, मतलब ये नॉर्मल कार्य, ये कोई व्यक्ति कर सकता है और ये नॉर्मल कार्य, यह एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया, विश्लेषणात्मक मतलब होता है इसमें एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर जो भी उपयोग करता होता है उसको सूचना पहुंचाई जाती है। इससे अब ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम्स में। ये लेखांकन का आधार कार्य है और लेखांकन इस पर निर्भर होता है, मतलब ये इसका मतलब ये है कि पुस्तक पालन क्या है, लेखांकन का एक आधारभूत कार्य, इसके आधार पर ही क्या किया जाता है, लेखांकन किया जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये लेखांकन का आधार और आधार की कार्य है और लेखांकन इस पर क्या करता है, निर्भर होता है, डिपेंड होता है। पहले ये कार्य किया जाता है, फिर उसके बाद आधार पर क्या किया जाता है, लेखांकन किया जाता है। ये पुस्तक पालन का कार्य समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है, मतलब जहां पर पुस्तक पालन समाप्त होता है वहां पर क्या होता है, लेखांकन स्टार्ट होता है। तो यह था पुस्तक पालन तथा लेखांकन में डिफरेंस, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई